हालांकि आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वनडे मैच चल रहा है, पर दिलचस्प बन गया है ये 2019 का लोकसभा चुनाव, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश से हम लोगों के सामने निकल करके आई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी और शाह की नींद उड़ गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से सपा और बसपा 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अमेठी राहुल गांधी की सीट और रायबरेली सोनिया गांधी की सीट में हम गठबंधन का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। शेष 2 सीटों पर अन्य पार्टियों को मौका दिया जाएगा। कांग्रेस के गठबंधन में शामिल नहीं होने पर मायावती ने कहा, कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारों में रक्षा सौदों में घोटाले हुए हैं। कांग्रेस से गठबंधन करके हमें फायदा नहीं मिलता, बल्कि कांग्रेस को हमारे वोट ट्रांसफर हो जाते। सपा बसपा के बीच 26 साल बाद यह गठबंधन हुआ था। 1993 में भी दोनों दलों ने गठबंधन किया था। 2 साल सरकार चली, लेकिन 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद गठबंधन टूट गया। इस पर मायावती ने कहा, गेस्ट हाउस कांड को किनारे करके देश हित और जनहित में हम सपा से गठबंधन कर रहे हैं। इस बार यह गठबंधन लंबा चलेगा। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे, तब भी यह गठबंधन कायम रहेगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश ने भी कहा कि सपा का हर कार्यकर्ता आज से ये मान ले कि मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, उनका अपमान मेरा अपमान होगा। मायावती जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, इन दोनों गुरु चेले की नींद उड़ा देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने रखी है। पिछली बार गठबंधन कर चुनाव लड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में हवा का रुख बदलते हुए भाजपा जैसी जातिवादी पार्टी को पछाड़ते हुए सरकार बनाई गई थी। हालांकि यह गठबंधन कुछ गंभीर कारणों से नहीं चल पाया था, लेकिन लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से ऊपर देश और जनहित को ऊपर रखते हुए हमने यहां आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला किया है। मायावती ने कहा, यह भी सर्व वादित है कि 1990 के आसपास भाजपा की घोर जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक माहौल और अयोध्या के माहौल के कारण प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही थी। आज भी देश की 125 करोड़ की आम जनता भाजपा की वादा खिलाफी से जूझ रही है। किसान व्यापारी विरोध नीतियों, अहंकारी और तानाशाही वाले रवैये से जनता दुखी है। इसलिए बसपा और सपा ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर एकजुट होने की ज़रूरत महसूस की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के विचार की नींव उसी दिन से बैठ गई थी जिस दिन से भाजपा ने मायावती जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दी थी। मैंने उस दिन बसपा सपा के गठबंधन के विचार पर मन में अंतिम मोहर लगा दी थी, जब बसपा उम्मीदवार भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर को छलकपट से हराकर भाजपा के लोगों ने खुशियां मनाई थी। सपा का हर कार्यकर्ता आज से यह मान ले कि मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है। अगर कोई भाजपा नेता मायावती जी का अपमान करता है, तो वह मेरा अपमान माना जाएगा। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कड़े शब्दों में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जात धर्म देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। घायल लोगों को सहायता देने से पहले भी उनकी जात पूछी जा रही है। भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। भाजपा के अत्याचार से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए हमने गठबंधन का निर्णय लिया है। भाजपा और उसके नेता ये बात भी अच्छी तरह समझ लें कि बसपा और सपा का ये केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, यह भाजपा के अन्याय का अंत भी है।
अब दोनों दलों के कार्यकर्ता मिलकर भाजपा के अत्याचारों का मुकाबला करेंगे। ये बातें अखिलेश यादव और मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के मानो आज दिवाला सा निकल गया, जो कल तक रामलीला मैदान दिल्ली में खड़े होकर के अपनी पार्टी के कसीदे पढ़ रहे थे और जनता को बताना नहीं भूल रहे थे कि हमने ये कार्य करे हैं और 2019 में एक बार फिर से 5 साल के लिए मोदी सरकार चाहिए। ये नारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए थे और जब आज उत्तर प्रदेश की सरजमी से ऐतिहासिक ऐलान हुआ, 26 साल बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की नींव मानो हिल सी गई और उसने पूरी तरीके से मोदी शाह यानी कि गुरु चेले की नींदें हराम कर दी हैं। और इसको लेकर के अब तमाम सियासत शुरू हो चुकी है और इसमें सबसे अहम फैक्टर अगर देखा जाए तो जो लोग कह रहे थे कि इसमें कांग्रेस को भी गठबंधन में मौका दिया जाएगा और ये साफ तौर पर इनकार सपा बसपा द्वारा कर दिया गया है कि कांग्रेस की इस गठबंधन में जगह नहीं बनती है। हमने इससे पहले 2 दिन पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस गठबंधन के पीछे किस अहम आदमी ने अपना अहम रोल अदा करा है मोदी शाह की रणनीति को फेल करने के लिए। और उसके बाद आज बसपा सपा का गठबंधन ये ऐलान कर चुका है कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खतरे की घंटी बजा ही दी है। और यही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई और अब शुरू होगा सियासत का असली खेल। 2019 के आगामी चुनावों से पहले पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हर किसी को जता दिया कि यह गठबंधन कितनी जड़ें भारतीय जनता पार्टी की हिलाएगा, इससे लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके दौरान कई तरह की अफवाहों के जरिए उत्तर प्रदेश की सरजमी को फिर से जलाने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा सकती है। कभी राम मंदिर तो कभी बाबरी मस्जिद को लेकर के अगर यही मसला नहीं रुका तो हिंदू मुसलमान की अफवाहों पर खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान रहने के लिए बोला गया है अखिलेश यादव द्वारा। और इसके बाद जो सबसे बड़ा अहम फैक्टर रहेगा वो है हमारी गोदी मीडिया का खेल। गोदी मीडिया के सवाल जवाबों को देखने के लिए, उनसे बचने के लिए अखिलेश यादव और मायावती बड़े ही सलीके से गोदी मीडिया के हर जवाबों को बखूबी देते चले गए। और इस पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो फेल कराने के मकसद से वहां उनके पत्रकार पहुंचे थे वो भी इसमें पूरी तरीके से धाराशाही होते चले गए। ऐसी ही सपा बसपा गठबंधन से जुड़ी तमाम खबरें लेकर के आज पहलू दर पहलू आपके साथ जुड़ता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। Gracias.